सॉरी गाइस, फ्लॉप शो हो गया है, तो मेरा भी बहुत मूड ऑफ हो गया है। हाय गाइस, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको सेंजन का सबसे सुंदर टेंपल दिखाने वाली हूँ। तो इस टेंपल को होंगफा टेंपल बोलते हैं और इस टेंपल की सारी स्पेशलिटी और ये कितना सुंदर है ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सो दैट्स व्हाई स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहले बताती हूँ इस टेंपल कैसे आना है। इस टेंपल के लिए आपको सियानूर रोड स्टेशन से एग्जिट C2 लेना है। तो आपको टेंपल जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, या तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हो या फिर यहाँ पर बारकोड स्कैन कर आप टिकट्स परचेस कर सकते हो। ये है इस मंदिर का एंट्रेंस गेट और अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे। अंदर ये एक्चुअली टेंपल जो है ये बोटानिकल गार्डन में बनाया हुआ है, तो दैट्स वाई इस टेंपल तक पहुँचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स चलना पड़ेगा। इस टेंपल में आने के लिए आपको 15 यौन का टिकट निकालना पड़ेगा, दैट इज़ 150, बट हमने अभी ऑनलाइन ले लिया है तो हमको 10 यौन में मिल गया। अब हम ये टिकट दिखा के आगे जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चलना है इसलिए यहाँ से कुछ बसेस भी होते हैं, आप बसेस से भी जा सकते हो, बट हम वॉकिंग करके ही जाएंगे बिकॉज हमें ये बोटानिकल गार्डन भी देखना है। अब रोड भी है एक तरफ एंड देन एक तरफ ब्रिज है। अगर आप ब्रिज की तरफ से जा रहे हो तो आप यहाँ का फॉरेस्ट एरिया देख सकते हो। माउंटेन आपको दिख रहा है वो बुटांग माउंटेन है और ये जो मंदिर है ये बुटांग माउंटेन के बेस में ही बनाया हुआ है। तो न्यू ईयर के टाइम काफ़ी सारे लोग मंदिर में आते हैं और 4 साल पहले एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब सेंजन में आई थी तभी वो न्यू ईयर का टाइम था और हमारे कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स ने हमें यहाँ पर इस मंदिर लेके आए थे। तो ये मंदिर ही था जो सबसे पहले मैंने सेंजन में जो जगह देखी थी वो ये मंदिर ही थी और तब एक्चुअली हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, हम लोग सिर्फ मंदिर गए एंड वी इमीडिएटली केम बैक। तो तब मैंने सोचा था कि इस मंदिर वापस आएंगे हम और काफ़ी बार हम लोग प्लान कर चुके कि इस मंदिर आएंगे बट हो नहीं रहा था। तो फाइनली आज मुहूर्त लग गया और आज हम इस मंदिर जा रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पर काफ़ी सारा रेस्टिंग एरिया भी है बीच बीच में और अगर आप चाहो तो कुछ बेवरेजेस वगैरह भी ले सकते हो, वो भी मशीन से यहाँ पर। क्या ले रहे हो? जूस। तो ये ऑटोमेटेड मशीन से आपको जो बेवरेज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, देन वहाँ पर QR कोड होता है वो स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर WeChat बहुत यूज़ करते हैं तो WeChat के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और वो नीचे आ जाएगा आपका जो भी ड्रेस होगा। तो यहाँ के सिट आउट एरिया भी इन्होंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ तो है ही बट साथ में उन्होंने इसके इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि ये कौन सा पेड़ है क्या है। यहाँ पर ये जो पेड़ है इसका नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है डेलोनिक्स रेजिया, आई होप मैं करेक्ट बोल रही हूँ। तो ऐसे यहाँ पर जो डिफरेंट यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनका इन्फॉर्मेशन भी लगाया हुआ है। तो ये टेम्पल इस बोटानिकल गार्डन में है एंड ये बोटानिकल गार्डन का एरिया जो है वो अराउंड 30,000 स्क्वायर मीटर है, तो ये काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पर भी काफ़ी कुछ है देखने के लिए। ओके, सम वाटर बॉडीज भी है यहाँ पर।
और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट। ये जगह एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे लालटन्स भी लगाए हैं। लालटन्स तो मस्ट होते हैं इनके चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए। और फिर इस तरफ अगेन कुछ सिट आउट एरिया। तो एक्चुअली अब हम जहाँ जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में लेक साइड है एंड वहाँ पर कुछ पैराडाइज सीनरी ऐसा स्पॉट भी है, बट वो हम बाद में जाएंगे बिकॉज पहले हमें मंदिर जाना है। पहले मंदिर कवर करेंगे उसके बाद उस तरफ जाएंगे एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने वहाँ के फ़ोटोज़ देखे हैं तो मैं वहाँ आपको बाद में लेके चलती हूँ, पहले टेम्पल चलते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का फ़ोटोशूट चल रहा है। सॉरी गाइस, फ्लॉप शो हो गया है। पोम्फा टेम्पल ही क्लोज है, ये आपको पीछे दिख रहे हैं ना बैरिकेड्स लगाए हुए, उन्होंने क्लोज कर दिया। पता नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या क्या भी है या पैंडमिक की वजह से, आई डोंट नो, बट टेम्पल इज़ क्लोज। मैं आपको टेम्पल नहीं दिखा पाऊँगी, तो मेरा भी बहुत मूड ऑफ हो गया है। बट ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, पैराडाइज सीनरी है, बॉन्साई गार्डन वगैरह है, तो वो देखते हैं। ये टेम्पल देख मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जाना भी है। जब शुरू हो जाएगा ये टेम्पल तो मैं वापस आऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड लेट्स सी अदर सीनिक स्पॉट्स ओवर हियर। तो यहाँ पर ये लोग भी सब शॉक्ड है कि टेम्पल बंद है। ये लोग ने स्पेशली ये पैंडेमिक में एज अ प्रिवेंशन ये बंद किया हुआ है। 26 को फिर से खुलने वाला है, ये फ़िलहाल बंद करके रखा है उन्होंने। तो यहाँ पर भी ये सारे लोग थोड़े मायूस हो गए हैं। वेल, मंदिर तो बंद है बट मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मंदिर एक्चुअली दिखता कैसे है। ये एक्चुअली मैंने दूर से शूट किया था। तो ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मंदिर है और उसके पीछे उसका पगोड़ा भी है। तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा मंदिर भी है, बट मैं होपफुली नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये मंदिर भी दिखा दूँगी पास से। तो यहाँ पर एक स्पॉट है नेशनल साइकेड कंजर्वेशन सेंटर, वहाँ चलते हैं। तो ये जो पेड़ आपको दिख रहा है इसको साइकेड बोलते हैं, और यहाँ पर चाइना में जितने भी ये साइकेड के टाइप्स हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे पार्क में इन्होंने कुछ कुछ अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया है। ये है पैंगोलियन। यहाँ पर कुछ बोनसाई किए हुए साइकेड ट्रीज। तो यहाँ मुझे काफ़ी भीड़ दिखी इसलिए मैं देखने आई थी कि क्या है। तो ये लोग एक्चुअली इस बंदर को देखने यहाँ पर खड़े थे और मुझे एक प्यारा सा लड़का भी मिला यहाँ। हेलो, व्हाट आर यू कम फ्रॉम? ओह, आई एम फ्रॉम इंडिया। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम जस्टिन। ओह, दैट्स अ नाइस नेम। बाय बाय। तो ये बोटानिकल गार्डन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के यू नो प्लांट्स एंड ट्रीज़ वगैरह है। और एक सेक्शन इनका पूरा बाम्बू के लिए रिजर्व था एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और इस बाम्बू फॉरेस्ट में इन्होंने रोड पे भी ये बाम्बू का स्टोन लगाया है। आगे यहाँ पर ये ट्रेडिशनल स्टाइल गार्डन है और ये काफ़ी सुंदर था।
और ये जो एंशियंट स्टाइल बिल्डिंग आपको दिख रही है ये एक्चुअली एक कॉफ़ी हाउस है, तो यहाँ पर हम कुछ खा लेंगे। तो हमने ये चिकन एंड राइस लिया है, ये चिकन है नीचे राइस के हैं, एंड ये जो गुलाब जामुन जैसे दिख रहा है वो चॉपस्टिक निकालो, ये एक्चुअली फिश बॉल्स है, गुलाब जामुन लग रहा है ना। तो इस कैफ़े के सामने ही एक छोटा सा ब्रिज है जिसको आप क्रॉस करके जाते हो तो आप लेक साइड चले जाओगे। और यहाँ पर उन्होंने एक शेडेड वॉकवे बनाया हुआ है जिसके एक तरफ तो लेक है यहाँ पर काफ़ी लोग फिशिंग नेट लेके आए थे और वहाँ पर फिशिंग कर रहे थे। और इस वॉकवे की दूसरी तरफ ये विंडोज बनाए थे डिफरेंट डिफरेंट शेप में, तो उसमें से व्यू देखना बहुत सुंदर लग रहा था। ये वॉकवे एक्चुअली काफ़ी लंबा है। और ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से लेक वॉक स्टार्ट होता है। तो ये पार्क जो है वो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि वो कैफ़े एरिया था एंड देन अब राइट नाउ मैं जहाँ हूँ ये लेक वाला एरिया है, तो मैं अभी लेक वॉक की तरफ से ही चलते चलते आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा सारे तरफ लेक है एंड यहाँ पर उन्होंने बीच बीच में कुछ ब्रिजेस वगैरह बनाए फॉर कनेक्टिविटी टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। और ये जो पीछे आपको जो पीछे फॉरेस्ट टाइप दिख रहा है आप वहाँ पर भी जा सकते हो, कुछ कुछ लोग वहाँ पर भी गए हैं एंड अंदर यहाँ पर बहुत कुछ है चलने के लिए। अगर आपको वो सब एक्सप्लोर करना है तो आई गेस एक दिन भी कम पड़ेगा बिकॉज ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये है इनका टिपिकल चाइनीज स्टाइल स्टोन ब्रिज। तो लेक वॉक के बाद मैंने जैसे कहा कि काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज हैं, अब मैं आई हूँ कैक्टस एरिया की तरफ। तो यहाँ पर सारे जो पीछे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर सारे डिफरेंट टाइप के कैक्टस रखे हुए हैं उन्होंने, थोड़ा बहुत देख लेते। तो ये कैक्टस एरिया तीन डिफरेंट हॉल्स में डिवाइडेड है, अफ्रीकन, फिर ये एशियन हॉल एंड फिर लास्ट में यहाँ पर है अमेरिकन हॉल। मैं जा रही हूँ अमेरिकन हॉल की तरफ। तो ये सारा ग्लास हाउस के अंदर कुछ कुछ कैक्टस रखे हुए हैं। यहाँ पर फ्लावर्स भी आए हैं इन कैक्टस पर, यहाँ पर भी। तो अंडर वाटर जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं ये उनकी तरह लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस हॉल में अराउंड 600 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कैक्टस के प्लांट्स हैं यहाँ पर। अब मैं अफ्रीकन हॉल की तरफ जा रही हूँ, तो जो हार्श सनलाइट में जो कैक्टस आते हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं।
तो इन कैक्टस के पौधों पे काफ़ी सारे फूल थे, तो ये एक्चुअली फ्लावर प्लांट्स ही ज़्यादा लग रहे थे और कैक्टस नहीं लग रहे थे। ये तो लोटस की तरह ही लग रहा है एकदम। अब मैं एशियन हॉल की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स तो थे ही, बट ये एशियंट लेडी का स्टैचू भी रखा था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर लिखा है कि ये जो पीछे सारे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, ये सब पता है तकीला बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये लोग खड़े हैं बस से जाने के लिए, अभी बहुत धूप हो गई है इसलिए काफ़ी लोग बस से ही प्रेफर कर रहे हैं वापस जाने के लिए। वेल संजन में आजकल दिन भर तो बहुत धूप होता है और फिर शाम में ठंड होने लगती है, तो एक्चुअली अब काफ़ी धूप थी तो काफ़ी जगह पे लोग यू नो बैठकर रेस्ट ले रहे थे। और ये मैंने देखा है चाइनीज़ लोग काफ़ी सारे यू नो घर से कुछ ना कुछ लेके आते हैं, कुछ फ्रूट्स या स्नैक्स। और यहाँ पर काफ़ी सारे यू नो पार्क्स वगैरह में आप घर से खाना लेके आ सकते हो, तो ये लोग काफ़ी कुछ कैरी भी करते हैं अपने साथ खाना। और यहाँ पर ये वाले एरिया में काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कि यू नो अपने फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे और कुछ खा पी भी रहे थे। तो एरो जिस वॉकवे को पॉइंट कर रहा है ना, मैं वहीं से चल के आई। अब मैं उस ब्रिज की तरफ जा रही हूँ और उस ब्रिज की एक खास बात मैं आपको उस ब्रिज की तरफ पहुंचने के बाद बताती हूँ। तो यही वो लंबा सा ब्रिज है। तो मैंने बहुत सारे अपने पहले के जो वीलॉग्स हैं, पार्क वीलॉग या फिर एंशियंट टाउन का वीलॉग है, उसमें मैंने ये टिपिकल एंशियंट ब्रिज दिखाए हुए हैं चाइनीज स्टाइल के, जो ये यू नो स्टोन टाइप में रहते हैं विथ आर्च। बट वो जो थे ब्रिज उनमें या तो दो आर्च है या तीन आर्च है, बट यहाँ पर ये जो ब्रिज है इसको 11 आर्च है। तो ये इतना बड़ा ब्रिज मैंने यहीं पे देखा है। बाकी के पार्क्स वगैरह में ऐसे आपको काफ़ी जगह पर इस स्टाइल के ब्रिजेस दिखेंगे, बट वो या तो दो आर्च या तीन आर्च के होंगे, 11 आर्च वाला मैंने यहीं पे देखा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ब्रिज है। तो जा रहे हैं हम लोग अब वापस। मंदिर तो नहीं दिखा पाई इस टाइम, मंदिर के लिए मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी, तब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मंदिर दिखाती हूँ। बट फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।